मैं खबर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है प्रियंका रेड्डी को लेकर। तो आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यार हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें। और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर प्रियंका रेड्डी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है एक बहुत ही बड़ा बयान। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये घटना कहां हुई है। ये घटना हुई है ओवैसी जी के क्षेत्र हैदराबाद में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर मुस्लिम की लड़की के ऊपर कुछ भी होता है तो ओवैसी जी फटाक से कूद पड़ते हैं और उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। लेकिन इस बात जो है, इस बार एक हिंदू लड़की के साथ जो भी गलत हुआ है और ओवैसी जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। ये घटना है हैदराबाद की, जहां पर इनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। बड़ी बात यह है कि स्कूटी से जा रही थी, तभी बीच रास्ते में इनकी स्कूटी ख़राब हो जाती है। जैसे ही इनकी स्कूटी पंक्चर हो जाती है, ये अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मेरी स्कूटी पंक्चर हो चुकी है। तो उनकी छोटी बहन कहती हैं कि आप आसपास कोई दुकान है पंक्चर की, उसे देखिए, हम और अपना भाई आ रहे हैं आपके पास। तभी उनकी जो दीदी हैं यानी कि प्रियंका जी हैं, वो कहती हैं कि तुम लोग जल्दी से जल्दी चले आओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मेरी स्कूटी ख़राब हुई है वहाँ पर मुस्लिमों का जो इलाका है बहुत ही ज़्यादा। तो वो लोग कहती हैं कि ठीक है आप रुकिए, हम आ रहे हैं। जब छोटी बहन उनका जो भाई है उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे प्रियंका जी की स्कूटी ख़राब हुई थी, वहाँ वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे प्रियंका जी नहीं दिखाई देती हैं, ना ही इनकी स्कूटी दिखाई देती है। तब फिर वो लोग ढूंढने लगते हैं कि काफ़ी आखिर कहाँ गई हैं। फिर ढूंढते ढूंढते पूरा एक दिन निकल जाता है, लेकिन इनकी बहन का पता नहीं चल पाता है। बड़ी बात यह है कि अगले दिन इनकी जो दीदी है यानी कि प्रियंका रेड्डी जी की लाश पाई गई, वो भी एकदम जली हुई राख हुई, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इनको जलाकर राख कर दिया था। बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है बहुत ही बड़ा बयान और कहा है कि जितने भी आरोपी हैं उन सबको, पहली बात तो ओवैसी जी, उन सबको पहले सजा दिलवाएं। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहा था कि फांसी से कम की सजा ओवैसी जी अगर निर्धारित करेंगे तो वह नाइंसाफी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में,